टाइगर्स अकेले शिकार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जंगल के बड़े से बड़े जानवर को आराम से मार गिराते हैं। तो अब जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब चार टाइगर्स एक साथ मिलकर शिकार करें। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सच्ची घटना है भारत के शानदार जंगल ताडोबा की। ये कहानी है चार कमाल के बहनों की, जिनके पिता ताडोबा के सबसे विशाल गाय टाइगर वाग्डो हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक इन बहनों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो जंगल के इतिहास में पहली बार हो रहा था, और इन पर यकीन कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आइए मेरे साथ और चलिए जंगल के एक ऐसे सफर में जिसमें आप इन कमाल के टाइगर्स को बहुत करीब से देखने वाले हैं। हमारे भारत में मौजूद ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क, 380 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह जंगल किसी जन्नत से कम नहीं है। अभी यहाँ चार नन्हे बच्चों का जन्म हुआ है, जिनकी माँ है माधुरी, ताडोबा की टाइगर क्वीन। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक टाइग्रेस के सभी बच्चे एक ही जेंडर के हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। ये सभी बच्चे फीमेल है। वैसे ये बच्चे एक और लिहाज से बहुत खास है। दरअसल आमतौर पर तो नर टाइगर्स को बच्चों के लिए जानलेवा माना जाता है, लेकिन इन बच्चों के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पिता स्कारफेस यानी वाग्डो तो इनके साथ ही रहकर इनकी रखवाली करते हैं। आगे चलकर यही वाग्डो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए ये माधुरी के साथ मिलकर अपने चारों बच्चियों का अच्छे से ख्याल रख रहा है। इन बच्चियों को एक साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है और इनमें एक दूसरे के लिए बहुत प्यार भी है। फिर अगले कई महीनों तक वाग्डो और माधुरी दोनों अपने बच्चों को इसी तरह से सुरक्षा, खाना और ढेर सारा प्यार देते रहते हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन चार बहनों में से किसी की भी जान नहीं गई है। ये बहनें हैं मोना, ताकतवर और हमेशा उतावली रहने वाली, लेकिन इसमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है। गीता, जोश से भरी हुई लेकिन लापरवाह, यह हमेशा खुद को अपनी बहनों से बेहतर साबित करने की कोशिश करती है। लारा, ये बस सबको देखती रहती है, इसके डर की वजह से ये अपनी सभी बहनों में सबसे कमजोर है, यहाँ तक कि ये अपनी बहनों से भी डरती है, खासकर सोनम से जो लड़ाकू और बेरहम है। हर वक्त गुस्सा करना और किसी से भी भिड़ जाना इसकी आदत है। दिन बीतने के साथ साथ ये सभी बहनें बड़ी और ताकतवर होती जा रही हैं। इसके साथ ही इनके बीच का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, लेकिन आगे चलकर इनमें से कोई एक ही जंगल पे राज कर सकता है जिसके फिराक में ये चारों हैं। यही टाइगर्स का कड़ा नियम है, जो सबसे ताकतवर होगा राज वही करेगा। ताडोबा का ये शानदार जंगल इनका घर है, जो टाइगर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी के अंदर मौजूद है तेलिया लेक, जिसके आसपास के हरे भरे चारगाहें सांबर, स्पॉटेड डियर और जंगली सुअर जैसे जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वैसे यहाँ इनसे एक बहुत बड़ा जानवर भी रहता है, गौर। ये किसी भी टाइगर के एक हफ्ते की भूख आराम से मिटा सकता है, लेकिन तब जब कोई टाइगर इससे जीत पाए। इसका गठीला शरीर और चाकू जैसे धारदार सिंग किसी भी टाइगर को मारने के लिए काफी है। वैसे फिलहाल तो ये लेक इन चार बहनों के लिए खेलने कूदने और शिकार के तौर तरीकों को सीखने का एक मैदान है। इस दौरान सोनम अक्सर ही अपनी बहनों पे हमला भी कर देती है। ये अपनी सभी बहनों में सबसे सतर्क भी है, और इनमें से सबसे पहली बार शिकार करने का प्रयास भी यही करती है, लेकिन अभी ये इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इनसे कुछ ही दूर पर इनके पिता यानी वाग्डो भी मौजूद हैं। इसने बचपन से लेकर अब तक अपनी बेटियों को अनगिनत खतरों से बचाया है, और इसके साथ रहने से परिवार में हर वक्त खुशनुमा माहौल बना रहता है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, और इसीलिए ये अपनी बेटियों से आखिरी बार मिलने आया है, क्योंकि अब वाग्डो पार्क के बफर जोन में जाने वाला है। अब बड़ा हो जाने के बाद इन बहनों के आपस का प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आगे बहुत जल्द ही ये सब बदलने वाला है, और तब कुछ ऐसा होगा जिसकी इन बहनों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हफ्ते बीतने लगते हैं, और इसके साथ ही इन बहनों के बीच का रिश्ता कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब इन सभी को ताडोबा में अपना दबदबा कायम करना है, खासकर सोनम को। ये एक एक करके अपनी सभी बहनों को अपने रास्ते से हटा देना चाहती है, इसीलिए एक दिन ये लारा पे हमला कर देती है, लेकिन लारा भी यहाँ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। अब इसके बाद सोनम का दूसरा हमला गीता पे होता है, जो तुरंत ही इसके सामने सरेंडर कर देती है।
हर हमले के बाद इसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी सोनम कुछ भी कर ले, यह ताडुबा की रानी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि राज करने के लिए आत्मनिर्भर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर सोनम तो अभी भी खाने के लिए अपनी माँ यानी माधुरी पे ही डिपेंडेंट है। जी हाँ, अब तक माधुरी ही इन चारों बहनों के लिए शिकार करती आ रही है, जैसे कि ये शिकार। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर इन बहनों को और ताकतवर बनना है तो इन्हें हफ्ते में कम से कम एक बड़ा शिकार तो चाहिए ही, और सोनम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। किसी भी नौजवान टाइगर के लिए पहला शिकार बहुत मुश्किल होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये इनका टेस्ट ही होता है, जो सोनम भी देने वाली है। ये पहले तो एक हिरन के झुंड पे अपनी नजर गड़ा लेती है, और फिर इसके बाद अपनी फुर्ती रफ्तार और ताकत की मदद से अपने जीवन का पहला शिकार करने में कामयाब भी हो जाती है। अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। सोनम ताडुबा पे राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तेलिया लेक चार सगी बहनों के बीच के युद्ध का गवाह बनने वाला है। सोनम अपनी सभी बहनों को तेलिया से भगाकर यहाँ राज करना चाहती है, और इसकी शुरुआत ये अपनी सबसे कमजोर बहन लारा से करती है। इस वक्त लारा नदी में आराम कर रही होती है, और अपनी बहन की ऐसी चाल को देखकर ये अच्छे से समझ जाती है कि ये इसके साथ खेलने तो नहीं आ रही है। यहाँ पे लारा ज्यादा लड़े बिना ही सोनम के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेती है। अब इसे अपनी बहनों और तेलिया लेक को छोड़कर जाना होगा। सोनम के वजह से आज पहली बार इन बहनों में इतनी बड़ी दरार आ चुकी है। जो एक समय पर अपनी बहनों पर जान छिड़कती थी, आज वही इनकी जानी दुश्मन बन चुकी है। और लारा के यहाँ से चले जाने के बाद सोनम बहुत जल्दी अपनी दूसरी बहन की तरफ बढ़ चलती है। इसका दूसरा निशाना है गीता। इस वक्त गीता खा पी कर आराम कर रही होती है, इसीलिए इसे सोनम के मंसूबों के बारे में बहुत देर से पता चलता है। हालांकि सोनम यहाँ गीता पे हमला तो नहीं करती है, लेकिन इसका कड़ा रवैया गीता को यहाँ से भगाने के लिए काफी है। गीता को भी हरा देने के बाद अब सोनम के रास्ते में बस एक ही बहन है, मोना। ताकत के मामले में मोना सोनम को कड़ी टक्कर देती है, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि इस बार की लड़ाई तो एक तरफा नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इनके बीच की लड़ाई जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। अब अपनी दोनों बहनों की तरह मोना को भी उस जगह को छोड़कर जाना होगा जहां इसका जन्म हुआ था। किसी के लिए भी परिवार का टूटना बड़ा दुखदाई है, और इसके ऊपर से जब आपको अपने ही परिवार और घर दोनों से ही दूर कर दिया जाए, तब तो ये दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हारी हुई गीता और लारा एक दूसरे से आखिरी बार मिल रही हैं, क्योंकि अब अगर ये ज्यादा देर तक यहाँ रुकी तो सोनम इन्हें मार डालेगी। अपनी तीन बहनों को खदेड़ कर सोनम इस विशालकाय साम्राज्य की इकलौती मालकिन बन चुकी है, लेकिन अब ये अपनी तीन सगी बहनों से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। इधर सोनम से हारने के बाद गीता तेलिया लेक से दूर एक ऐसे तालाब के पास आ चुकी है जो जानलेवा है। दरअसल यहाँ राज है खूंखार मगरमच्छों का, जो गीता जैसे किसी भी टाइगर को बड़े ही आराम से मार सकते हैं। यहाँ एक मगरमच्छ गीता के एकदम करीब से गुजरता भी है, जो इसके धमकी देने का एक तरीका है, और इससे ये साफ कर देना चाहता है कि आगे से ये गीता को अपनी नदी में बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ लारा भी अपने घर से दूर अनजान इलाके में आ गई है। ये इस नए जगह को अच्छे से जान लेना चाहती है, लेकिन इसमें इसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये किसी दूसरे टाइगर के इलाके में ना घुस जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो लारा के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इधर दूसरी तरफ जंगल के एक हिस्से में मोना भी इधर उधर भटक रही होती है। इसने पिछले चार दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, पर आज इसे उम्मीद की एक किरण नजर आई है, सांबर डियर। मोना इनमें से एक का शिकार करके अपना पेट भर सकती है। लेकिन ये क्या, यहाँ सिर्फ मोना ही अकेली शिकारी नहीं है, बल्कि इसके साथ ही यहाँ जंगली कुत्ते भी मौजूद हैं। ये टाइगर्स के कट्टर दुश्मन होते हैं, और इनके रहते हुए ये शिकार कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए मोना इन वाइल्ड डॉग्स को यहाँ से भगाने का फैसला करती है, पर इन सब में ये इतना ज्यादा थक जाती है कि इसके पास शिकार करने तक की ताकत नहीं बचती है। बाकी बहनों की तरह गीता भी भूखी है, लेकिन इसके लिए अच्छी बात ये है कि अभी ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ शिकार की कोई कमी नहीं है। पर गीता इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाती है, क्योंकि इसे शिकार का कोई तजुर्बा नहीं है। यहाँ तेलिया लेक में सोनम के सामने शिकार की कोई कमी नहीं है। लेक के आसपास ही स्पॉटेड डियर का एक झुंड घास चरने आया होता है, और सोनम इनमें से किसी एक को मारने का मन बना लेती है।
ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हिरनों की ओर बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा भी आता है जब एक हिरन इसके एकदम नजदीक खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सोनम फैसला करने में लेट हो जाती है और सारे हिरन इसे देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। एक रानी होने के बावजूद भी सोनम को खाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। समय बीतता है, अब बहनों के घर से निकले एक हफ्ते हो चुका है। लारा ने कहीं से खाने का इंतजाम कर लिया था और इसीलिए अभी ये नदी के किनारे आराम से लेटी होती है। यहाँ तक कि जब कुछ हिरन इसके एकदम नजदीक आ जाते हैं तब भी ये आराम ही करते रहती है। वैसे इसे कुछ ही दूर पर एक मेल टाइगर भी है, इसका नाम है सेबर और इसे लारा के होने का पता चल चुका है। जंगल के दूसरे तरफ गीता बेसब्री से अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है क्योंकि इसने पिछले एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। शिकार की तलाश में ये हिरनों के झुंड के पास भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर गीता से एक छोटी सी गलती हो जाती है जिससे हिरनों के पूरे झुंड को इसके मौजूदगी का पता चल जाता है। अब अगर गीता ने जल्दी कोई शिकार नहीं किया तो इसकी जान भी जा सकती है। इधर दूसरी तरफ लारा को भी सेबर की सेंट मिल चुकी है और अब ये दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ भी लेते हैं। यहाँ हमेशा की तरह लारा आगे बढ़ने में डर रही होती है, लेकिन आखिर में ये हिम्मत करती है और सेबर की तरफ बढ़ती है। अगले कुछ ही दिनों में इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये एक दूसरे के साथ साथ ही रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सेबर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके साथ ने लारा को एकदम बदल दिया है। इसका कॉन्फिडेंस और हौसला दोनों पहले से कई गुना बढ़ चुका है और इसकी भूख भी। इसीलिए लारा फैसला करती है कि ये अपने घर तेलिया में वापस लौटेगी और सोनम का मुकाबला करेगी। दूसरी बहनों के लिए भी शिकार ना कर पाना भारी मुसीबत बन चुका है। इन्होंने पिछले एक हफ्ते से खाना नहीं खाया है जो इनके लिए जानलेवा है। इस हताशा के दौर में एक चमत्कार होता है। दो बहनें मोना और गीता दोनों एक साथ आ जाती हैं। टाइगर्स के दुनिया में ऐसा कुछ भी होना बहुत ज्यादा रेयर है। साथ आने के वजह से अब इनके शिकार में कामयाब होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड भी चाहिए और इसीलिए ये दो बहनें भी अपने घर तेलिया में वापस जाने का फैसला करती हैं। यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ इनका सामना सोनम से भी हो सकता है जो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर कुछ देर के बाद इन बहनों की नजर एक हिरन के झुंड पे जाती है और ये शिकार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे पहले तो ये दो बहनें धीरे धीरे हिरनों के नजदीक जाने लगती हैं और फिर ये हमले के लिए खुद को सही से पोजिशन भी कर लेती हैं। लेकिन यहाँ भी गीता थोड़ी जल्दबाजी कर जाती है जिसके वजह से ये शिकार भी इनके पहुंच से बाहर निकल जाता है। पर इससे भी बुरी बात तो ये है कि सोनम को इनके होने का पता चल चुका है। इसने अपनी बहनों के सेंट को पहचान लिया है और इसीलिए ये जंगल में हर तरफ मार्किंग करने लगती है। ये मोना और गीता के लिए एक चेतावनी है। सोनम यहाँ की रानी है और इसीलिए इसे अपने इलाके की सुरक्षा तो करनी ही होगी। दिन बीतने के साथ साथ तेलिया में गर्मी बढ़ते जा रही है और इसीलिए मोना और गीता दोनों खुद को ठंडा रखने के लिए एक तालाब में आई हुई हैं। अभी ये सोनम से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब ये आराम कर रही होती हैं, तब एक और टाइगर तालाब के करीब आ जाता है। ये लारा है। लारा के लिए भी जीवन बहुत मुश्किल हो चुका था, इसीलिए इसने भी तेलिया में आने का रिस्क लिया है। मोना और गीता भी इसका दुख अच्छे से समझती हैं और इसीलिए ये अपनी बहन को अपने पास बुलाकर उसे सहानुभूति देती है। अभी के लिए तो बहनें सोनम से दूर ही रह रही हैं, लेकिन आगे बहुत जल्द ही ये उसके सत्ता को चुनौती भी दे सकती हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन इन तीन बहनों को सोनम की महक आती है। इन्हें ये बात अच्छे से पता है तो सबसे पहले सोनम का मुकाबला करना होगा, इसीलिए मोना की अगुवाई में तीनों बहनें सोनम को खोजने लगती है। इधर दूसरी तरफ सोनम शिकार पे निकली होती है। ये पिछले कुछ दिनों में बहुत बार शिकार में नाकामयाब हुई है, इसीलिए इस वक्त ये बहुत ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो चुकी है। ये एक बड़े शिकार की तलाश में होती है और इस दौरान सोनम की नजर एक गौर के झुंड पे जाती है और ये इनका शिकार करने का मन बना लेती है, लेकिन एक गौर का शिकार करना इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इस बीच तीनों बहनें सोनम के नजदीक पहुंचते जा रही थी। अब ये बस कुछ ही देर में सोनम के पास पहुंचने वाली हैं। इन सब से बेखबर सोनम अपने शिकार पे नजर गड़ाए हुए है। इसका शिकार है एक छोटा बच्चा जिसे इस गौर के झुंड ने हर तरफ से घेरा होता है। अब अगर सोनम से थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात इसके जान पे भी बन सकती है।
और आगे वही होता है जिसका सोनम को डर था। एक नर गौर इसे देख लेता है और अपने झुंड से दूर खदेड़ने लगता है। लेकिन जब सोनम पीछे मुड़ती है तब ये देखती है कि इसकी तीन बहनें भी यहाँ आ चुकी हैं। सोनम के एक तरफ वो खतरनाक गौर था तो दूसरी तरफ इसकी बहनें। इससे ये बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन यहाँ खून अपना असर दिखाता है और ये चारों बहनें एक बार फिर से एकजुट हो जाती हैं। फिर इसके बाद ये शिकार को दोबारा से शुरू करती हैं और एक समय पर जो लारा सबसे कमजोर थी आज वही इन्हें लीड करती है। सोनम विजय इसके पीछे ही रहती है और बाकी दो बहनें गीता और लारा दोनों दूसरी तरफ से गौर के झुंड को घेरने की तैयारी करती हैं। और फिर देखते ही देखते लारा उस नर गौर पे टूट पड़ती है। सूरज निकलने के साथ ही सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। यहाँ सबसे पहले गीता नजर आती है जो थोड़ी थकी होती है और इसके मुंह से खून टपक रहा होता है। ये कल रात के हमले का सबूत है। इन बहनों ने साथ मिलकर एक बड़े गौर का शिकार किया है। इस भोजन से इनका पेट कई दिनों तक भरा रहेगा और ये इनके मिलजुल के काम करने का एक बड़ा इनाम है। दोबारा मिलने के बाद अब इन बहनों के बीच का रिश्ता कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है और अब जानवर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इनके सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। साथ मिलकर ये बहनें जंगल का हर कानून बदलने वाली हैं। और इन बहनों का दूसरा शिकार होता है एक खूंखार भालू। ये चार बहनें मिलकर ताडुबा का एक नया अध्याय लिख रही हैं। मिलकर शिकार करते हुए ये टाइगर्स की एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही हैं। और ये सब संभव हुआ है इन बहनों के बीच के प्यार के वजह से। और दोस्तों, एक ऐसे ही कमाल के टाइगर टाइगर T24 पर एक बढ़िया मूवी आ रही है जो 31 मार्च को अमेजोन प्राइम पर रिलीज होगी, तो हो सके तो उसे भी एक बार देखिएगा जरूर। अगर आपको ताडुबा की एक और क्वीन की कहानी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।